मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पहले हम आज व्याकरण का पार्ट 10 संज्ञा विकार का अर्थ करेंगे। बेटा पहले मैंने तुम्हें पार्ट पढ़ाया था संज्ञा विकार लिंग, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया वचन, आज हम पढ़ रहे हैं संज्ञा विकार का अर्थ। संज्ञा के सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्ह प्रसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। कारक के जो चिन्ह होते हैं बेटे वो प्रसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। अब कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं और इनकी अलग अलग विभक्तियां होती हैं। पहला आज हम कर रहे हैं कर्ता कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम द्वारा क्रिया की जाती है, अब फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, राम ने तीर मारा, राम क्या है? संज्ञा कर्ता, और ने तीर मारा, इसका जो चिन्ह है भक्ति चिन्ह ये ने है। सेकेंड है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, गार्ड ने कुत्ते को मारा, इसका जो चिन्ह है को है। अब गार्ड कौन है? संज्ञा। कुत्ते को मारा, को इसका विभक्ति चिन्ह हो गया। थर्ड है कर्म कारक। क्रिया को करते समय कर्ता जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह कर्म कारक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रंजना कलम से लिखती है, बेटा उसने क्या साधन अपनाया है? कलम, कलम से, कलम के द्वारा लिख रही है, कलम से लिखती है, तो इसका भक्ति चिन्ह से हो। अब आगे आ गया है संप्रदान कारक। इस कारक में जिसके लिए कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ देने का भाव होता है वह संप्रदान कहलाता है। माँ ने अमित को भोजन दिया, क्या दिया? भोजन दिया, ओ इसका विभक्ति चिन्ह। अब है अपादान। बेटे इसमें भी विभक्ति चिन्ह से ही है, लेकिन कर्म कारक में माध्यम से और इसमें अलग होने का भाव होता है, तब से लगता है। देखो यात्री गाड़ी से गिर पड़ा, अब जो यात्री है वो गाड़ी से गिरकर अलग हो गया ना बेटा, तो ये अलग होने का भाव हो गया। यहाँ से, यहाँ पे भी सी है और कर्म कारक में भी सी है, वो माध्यम के द्वारा कोई काम होता है, इसमें अलग होने का भाव होता है। नेक्स्ट सिक्स संबंध कारक। जिस रूप से किसी दूसरे के संबंध साथ संबंध जाना जाता है, इसका जैसे भक्ति चिन्ह का ये होते हैं। अब देखो, रहीम चाचा के भाई आए हैं, संबंध हो गया रहीम के चाचा, रहीम और चाचे का, रहीम चाचा के भाई, भाई संबंध हो गया उनके साथ, के इसका के जो है वो विभक्ति चिन्ह है। अब आगे आता है अधिकार। बेटे इसमें इसका जो भक्ति चिन्ह है ने पर है। देखो पापा जी का ने कहते हैं, में इसका विभक्ति चिन्ह। लास्ट इसमें पुकारने का भाव होता है बेटे, और इसका चिन्ह ये है डंडा और ये नीचे बिंदु। देखो अरे ये क्या हो गया, अरे के बाद ये जो चिन्ह आया पुकारने का, ये एक्सक्लेमेशन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइन, ये इसका चिन्ह है। तो आज का ये हमारा चैप्टर बेटा खत्म हुआ, इसको ध्यान से पढ़ना और अभ्यास कार्य करना। धन्यवाद।